फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोयो मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, हम क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट वन का। ऑलरेडी इसके तीन वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम सिर्फ तीन मार्क्स और चार मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और कुछ एक्टिविटीज़ को कवर कर रहे हैं जो तीन तीन मार्क्स की आती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चौथा वीडियो। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों वो भी आप चैनल पर जाके अच्छे से देख सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड से हमने ये पूरे क्वेश्चंस को करे हैं, तो ये एग्जाम में अगर आए तो सेम टू सेम ऐसे ही करना, आपको स्टेप बाय स्टेप के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। टू मार्क्स थ्री मार्क्स के नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप, ये ऑलरेडी हमने कर चुके थे दोस्तों यहाँ पर। फिर बाद में ये जो तीन मार्क्स के जो क्वेश्चन थे ये हमने भी पूरे चैनल पर ले चुके हैं, तो इसको भी देख लीजिए आप अच्छे से। ओके, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। ये चार मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, एक एक करके करेंगे इसको हम लोग। ओके, फोर मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हॉर्स क्वेश्चन में अंदर आते ही हैं और इजीली अपने को ये 16 मार्क्स दे सकते हैं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड अपने को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन अपने पास, दोनों इक्वेशन की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है अपने को। ओके, और अपने को ग्राफ पे वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर निकाल के बताता हूँ दोस्तों। आप वो कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप ग्राफ पे प्लॉट करो, देखिए जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं हम लोग मिलके आहिस्ते आहिस्ते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से लेते हैं, ज़रा भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इक्वेशन ये है अपने पास में, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन सेमी कोलन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट। ओके, तो ये पहली इक्वेशन को मैं नीचे ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, इसका मैं एक बॉक्स टेबल ड्रॉ करूँगा जिसमें मैं तीन या चार पॉसिबल वैल्यू निकालूँगा। ओके, ताकि अपन ये ऑर्डर्ड पेयर को अच्छे से प्लॉट कर पाए ग्राफ के ऊपर। ओके, सो ये एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, और दूसरी इक्वेशन को भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसी तरह से इसका भी टेबल ड्रॉ करेंगे दोस्तों। बहुत ही इजी होता है ये, आराम से करेंगे आप, और तीन से चार मार्क्स ही अपने जाना नहीं चाहिए। तीन से चार मार्क्स के क्वेश्चन में एकदम पेशेंटली आप पूरे सॉल्व करेंगे। ओके, इजीली आप आउट ऑफ ले सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने ये टेबल ड्रॉ कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पॉसिबल वैल्यू है। ओके, तो मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पर, ब्लैक पेन। चलिए, पॉसिबल वैल्यू के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ओके, यहाँ पर मैं वन पुट करता हूँ, वन टू थ्री, आप ज़ीरो वन टू थ्री भी पुट कर सकते हैं, आप टू थ्री फाइव कुछ भी पुट कर सकते हैं आप। ओके, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो एक्स की जगह पे मैं वन पुट कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ वाई इक्वल टू वन, सो माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये प्लस वन को शिफ्ट कर रहा हूँ माइनस वन, सो माइनस वाई इज इक्वल टू वन माइनस वन जीरो, सो देयर फॉर वाई का आंसर आ जाएगा यहाँ पर जीरो। तो देखिए पहला आंसर कितना सिंपल, एकदम इजी तरीके से ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जीरो, और ऑर्डर्ड पेयर में वन कॉमा जीरो आपको मिल गया ये। ओके, अब टू एज्यूम करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन को पहले लिख लेंगे हम लोग। सो इक्वेशन क्या है, टू है, एक्स की जगह पर टू पुट कर रहे हैं, टू माइनस वाई इज इक्वल टू वन, माइनस वाई को नीचे लेना है इक्वल टू वन को भी, प्लस टू को शिफ्ट करेंगे माइनस टू, सो माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड से हम कैंसिल करेंगे, तो वाई का आंसर आ जाएगा इधर वन। तो इस तरह से ये आंसर भी आ गया, तो इधर लिख देंगे वन, और ये ऑर्डर्ड पेयर में टू कॉमा वन हो गया। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है एकदम। ओके, तो चलिए एक और लेते हैं हम लोग पॉसिबल वैल्यू, आप चार भी निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन भी निकालेंगे तो बस हो जाएगा। ओके, अब एक्स की जगह पर मैं थ्री पुट कर रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको माइनस वाई इज इक्वल टू वन, प्लस थ्री को शिफ्ट करेंगे माइनस थ्री, माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस टू, अगेन बोथ द साइड माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो ये वाई का आंसर आ जाएगा आपका टू, ये ऑर्डर पेयर मिल गया आपका, इधर लिख देंगे टू और ये थ्री कॉमा टू। देखिए एक इक्वेशन कितनी जल्दी से हो गया, अब सेकेंड इक्वेशन का भी हम ऐसे ही करेंगे। ओके, तो इक्वेशन को पहले लिखेंगे नीचे, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट। ओके, अब यहाँ पर भी मैं वन टू थ्री पुट करता हूँ। ओके, आप भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, वन टू थ्री या ज़ीरो वन टू कुछ भी ले सकते हैं आप। ओके, तो जैसे मैंने x की जगह पे वन एज्यूम करा, तो टू इन टू वन हो जाएगा ये, प्लस वाई इक्वल टू एट, टू वन ज़ा टू, प्लस वाई
इक्वल टू एट। अब ये प्लस वाई, तो मैं सिर्फ वाई को नीचे लूँगा, देयर फॉर इक्वल टू एट, प्लस टू को शिफ्ट करेंगे माइनस टू हो जाएगा ये, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो देखिए वाई का आंसर आ गया अपना सिक्स। तो ये ऑर्डर पेयर आपका बन जाएगा 1, 6 कोऑर्डिनेट। ओके, तो चलिए अब सेकेंड पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले इक्वेशन को नीचे लिखेंगे। अब एक्स की जगह पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 2 को, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, प्लस वाई इक्वल टू 8, 2 टू ज़ 4, प्लस वाई इक्वल टू 8, सो वाई इक्वल टू 8 को ले लो, प्लस 4 को शिफ्ट करेंगे आप, माइनस 4 हो जाएगा ये, सो 8 माइनस 4 इज 4। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर पेयर मिल गया आपको, इधर लिख दीजिए 4, इधर लिखेंगे 2, 4। ओके, अब एक और पॉसिबल वैल्यू, तो उसको भी निकाल लेते हैं आप, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके, इक्वेशन को पहले लिखेंगे, देन 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, 2 3 ज़ 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, सो वाई इक्वल टू 8 को नीचे ले लो, प्लस 6 को शिफ्ट करेंगे माइनस 6, तो y का आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 माइनस 6 इज 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 3, 2। अब ये जो पॉसिबल वैल्यू है दोस्तों, ओके, ये जो ऑर्डर पेयर मिले आपको, ये आप प्लॉट कर दीजिए अपने ग्राफ के ऊपर। देखिए जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट हो रहा है, x और y एक्सिस को ज्वाइन कर दीजिए, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये ट्राई कीजिए आप, इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स गिवन बिलो फॉर्म टू लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम। यानी कि ये दो डिटर्मिनेंट दिए हुए अपने पास, इसके लिए आपको दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको सॉल्व करके उसका एक्स और वाई का आंसर अपने को निकालना है। ओके, तो बहुत सिंपल है, इस तरह से मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, सेकेंड आंसर, डिटर्मिनेंट्स अपने पास में गिवन में डी है यहाँ पर, तो 5, 2, 7 और माइनस 3, और यहाँ पर डी वाई है। ओके, क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। ओके, तो डी का डिटर्मिनेंट दोस्तों आपको मालूम है क्या है, फॉर्मूला a1 a2 b1 b2। ओके, और डी वाई का जो डिटर्मिनेंट है उसका फॉर्मूला आपको पता है, a1 a2 c1 c2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा तो a1 की वैल्यू है यहाँ पर 5, ओके, a2 की है 2, इसी तरह से b1 की वैल्यू है यहाँ पर 7, ये 7 है, और b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू है यहाँ पर 4, ओके, और c2 की वैल्यू है यहाँ पर -10। तो अपनी इक्वेशन अब कैसे बनेगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए ना, ये 5 है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी अपनी, तो 5x प्लस 7y हो जाएगा ये इक्वल टू, ये 4 मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरह से अब 2x, ये 2x अभी तो माइनस है, तो -3y लिखूंगा मैं इक्वल टू, और ये भी माइनस में है -10, इसको लिख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए दोस्तों क्या करना है यहाँ पर, बहुत सिंपल है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, इधर 7 है और इधर 3 है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 21 करेंगे, क्योंकि 7 3 21 होता और 3 7 21 भी होता। ओके, तो मैं करूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/7 से, तो यहाँ पर +21 और -21 आ जाएगा, ऐड करने पर ये दोनों कट हो जाएंगे। ओके, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/7। ओके, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15x प्लस 3 7 21y और 3 4 ये 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 दे देते इसको, और 7 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, सो 14x माइनस 7 3 21y एंड 7 10 70, इक्वेशन नंबर 4 ले लेते इसको। ओके, अब क्या करेंगे, प्लस 21 और माइनस 21 कैंसिल कैसे होगा, ये ऐड करने पर कट होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, 15x प्लस 21y इक्वल टू 12, फिर बाद में 14x प्लस माइनस है दोस्तों ये माइनस 21y इक्वल टू -70। ओके, तो ऐड कर रहे हैं हम लोग ये, प्लस 21 और माइनस 21y कैंसिल हो जाएगा ये, 15 प्लस 14 इज 29x, और यहाँ पर 12 माइनस 70 करेंगे तो ये -58 आएगा दोस्तों। ओके,
एक्स को हम लोग बाहर ले लेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 58 डिवाइडेड बाई 29, 29 टू ज़ा 58, तो ये एक्स का आंसर आया अपना माइनस 2। तो ये एक आंसर आ गया दोस्तों। अब यही एक्स की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं या 2 में पुट करो, ओके। तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 अपनी ये है यहाँ पर, 5x प्लस 7y इक्वल टू 4, ओके। सो 5 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे, प्लस 7y इक्वल टू 4, 5 टू द 10, तो ये माइनस 10 प्लस 7y इक्वल टू 4, 7y इक्वल टू 4 को नीचे ले लो आप, माइनस 10 को शिफ्ट करेंगे, ये प्लस 10 हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 4 प्लस 10 इज 14, ओके। अब y की वैल्यू को बाहर ले लो आप, सो y इज इक्वल टू 14, ये डिवाइडेड बाय 7 में ले लेंगे हम लोग, सो 7 टू ज़ा 14, तो y का आंसर आ गया यहाँ पर 2। तो x माइनस 2 है और y 2 है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था, कितना इजी था, ये इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन अपना हो गया, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये। फॉर एन ए पी टी सेवनटीन है दोस्तों, ये T17 इक्वल टू 54 एंड T9 है ये यहाँ पर इक्वल टू 30, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी अपने को ये निकालना है। तो गिवन में क्या क्या पहले लिख लेंगे हम लोग, तो मैं इस तरह से गिवन में लिख लूँगा यहाँ पर T17 इज इक्वल टू 54 और T9 इज इक्वल टू 30, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी अपने को निकाल लेना दोस्तों, ओके। तो मैं इस तरह से इनको क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। तो बहुत सिंपल है दोस्तों ये, सबसे पहले हम लोग इसको नीचे उतारेंगे और लिखेंगे फॉर T17 इज इक्वल टू 54। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 17 है T के साथ में, टर्म्स के साथ में, और इक्वल टू के उधर है वो जो वो n टर्म है, यानी कि TN की वैल्यू है 54, ओके। TN का फॉर्मूला रखें हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। सो TN इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। सो TN का वैल्यू है 54, ए अपने पास नहीं है, एन की जगह पे हम लोग 17 रखेंगे, माइनस वन और डी भी नहीं है अपने पास। सो 54 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस वन इज 16, और ये डी को ज्वाइन कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएंगी, ओके। अब सिमिलरली इसको भी हम लोग नीचे लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ऑल्सो और सिमिलरली फॉर T9 इज इक्वल टू 30, ओके। तो यहाँ से भी दो वैल्यू निकल रही है हम लोग अपने पास में, n की वैल्यू 9 है, 9 टर्म है ये, और इक्वल टुगेदर है वो TN की वैल्यू है, यानी कि nth टर्म है, ओके। चलिए TN का फॉर्मूला रखते हैं। सो TN इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। TN 30 है अपने पास, यहाँ पर a की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू 9 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। सो 30 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस वन इज 8, और ये डी को ज्वाइन कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इधर प्लस ए इधर भी प्लस ए, सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों कट हो जाएंगे, अपना डी का आंसर आएगा, वही डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करेंगे तो ए भी आ जाएगा अपने पास, ओके। तो हम लोग ऐसा करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। तो 1 के अपने पास 54 इज इक्वल टू ए प्लस 16 डी, और 30 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको हम लोग, प्लस ए गेट कैंसल, 54 माइनस 30 इज 24, और यहाँ पर ये माइनस 8 डी बचेगा अपने पास, सॉरी 16 अब ऊपर, तो 8 डी, ओके। सो डी को हम लोग बाहर ले लेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 थ्री ज़ा, तो डी का आंसर आएगा अपना यहाँ पर 3, ओके। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ये डी की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे यहाँ पर पुट डी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अपने पास 54 इज इक्वल टू ए प्लस 16 डी है, ओके। सो 54 इज इक्वल टू ए प्लस 16 इंटू 3 करेंगे हम लोग, ओके। सो 54 इज इक्वल टू ए प्लस 16 थ्री ज़ा 48, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 48, एक उभार ले लेंगे, 54 पहले लिखेंगे, प्लस 48 बिकम्स माइनस 48, ओके। सो देयरफॉर एक आंसर आएगा यहाँ पर, 54 माइनस 48 इज 6,
तो ये ए भी अपना आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था, कितना ईजी था। तो इस तरह से अपने को करना है ये थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है। ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर, इट हैव टेकन 4 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम। एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 6 km/h, इट वुड हैव टेकन 6 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि लेंथ ऑफ द जर्नी अपने को फाइंड करना है। यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन है और कितना टाइम ले रहा है ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करेंगे स्पीड इंटू टाइम से, और फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक, और सेकेंड कंडीशन फिर यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए पेपर ले लेते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने की। ओके, क्वेश्चन को भी रखेंगे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ओके, एंड टाइम ऐसा लिखेंगे, एंड टाइम टू ट्रैवल डिस्टेंस बी वाई। ओके, सो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पर, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमने एक्स एज्यूम करे, टाइम यहाँ पर वाई आ गया, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ही अपने को निकालना है। ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन आप पहली कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर है दैट इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h, 6 km/h है, तो मैं यहाँ पर x प्लस 6 लूँगा। ओके, एंड इट हैव टेकन 4 आवर्स लेस है, तो y माइनस में 4 लूँगा। ओके, तो इनको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे दोस्तों इस तरह से। ओके, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, एक्स वाई। ओके, ये स्पीड लिए, ये टाइम लिए हमने, और ये एक्स वाई ले लिए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पर, एक्स वाई ऐसे लिखते हम लोग डायरेक्टली। एक्स इंटू 4 इज 4x, तो माइनस है तो माइनस 4x, देन प्लस 6 इंटू y 6y, और प्लस इंटू माइनस 6 4 24 इक्वल टू ये एक्स वाई हो गया। ओके, एक्स वाई गेट कैंसिल, बचा क्या अपने पास, माइनस 4x प्लस 6y, ओके, माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते दोस्तों, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस को हम लोग प्लस कर लेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 3y, माइनस 24, ये प्लस 24 हो गया, इक्वल टू लिखूंगा तो ये माइनस 12 ऐसे ही रहेगा अपना। ओके, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग 2। ओके, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन ले लेंगे। तो सेकेंड कंडीशन में अगर आप देखेंगे, इफ़ द ट्रेन वॉज स्लोअर, तो यहाँ पर अब स्लोअर है तो माइनस साइन डाल देंगे, और फास्टर है तो यहाँ पर प्लस डाल देंगे, तो x माइनस 6 और y प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 6 और y प्लस 6 ले लेंगे, और टोटल आने जाने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर वो भी देखेंगे, डिस्टेंस इज एक्स वाई, तो इक्वल टू लिख देंगे हम लोग एक्स वाई। ओके, तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू वाई इज एक्स वाई, माइनस x इंटू 6 इज प्लस साइन है यहाँ पर, तो प्लस 6x, ओके, माइनस 6 इंटू वाई 6y, और वापस से प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 6 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई एक्स वाई गेट कैंसिल, बचा क्या अपने पास, 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको भी हम लोग 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 36 बिकम प्लस 36, और 6 6 36। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं आप बाय डिवाइडिंग 6। ओके, सिंपल था। अब क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर सिर्फ x है,
तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन टू को टू से, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय टू, ओके, सो टू इंटू एक्स इज़ टू एक्स, टू इंटू वाई इज़ टू वाई इज इक्वल टू टू, सिक्स 12, इक्वेशन नंबर ये 3 हो गई अपनी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखो, प्लस टू एक्स कैसे कटूंगा, सब्ट्रैक्ट करने पर कटूंगा, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 इस तरह से लिख देंगे, ये 1 है, ओके, तो चलिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, ओके, और फिर बाद में नीचे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर हमने लिख दिए, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ओके, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स गेट कैंसल, माइनस थ्री वाई और प्लस टू वाई, तो ये हो जाएगा अपने पास सिर्फ वन वाई, तो हम लोग वाई लिखेंगे यहाँ पर, माइनस ट्वेल्व ये माइनस 24 हो जाएगा अपने पास में, ओके, तो बोथ द साइड माइनस माइनस गेट कैंसल, ओके, तो हम लोग कट कर लेंगे इसको इस तरह से, तो वाई का आंसर आएगा अपने पास में 24 आ जाएगा, ओके, अब ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो पुट y इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 के अपने पास 2x ये माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, सो 2x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 24 इज इक्वल टू माइनस 12, ओके, सो 2x माइनस 24 3 जा 72 इक्वल टू माइनस 12, सो therefore 2x लिखेंगे आप डायरेक्टली इक्वल टू भी जाएंगे माइनस 12, ये माइनस 72 इक्वल टू किधर जाएगा, तो प्लस 72 हो जाएगा ये, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 72 इज 60, ओके, सो x की वैल्यू को हम लोग बाहर ले लेंगे 60 डिवाइडेड बाय 2, सो हाफ करेंगे 60 का तो ये हो जाएगा 30, ओके, सो डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ जर्नी क्या है यहाँ पर लिख देंगे, लेंथ ऑफ जर्नी हमने एज्यूम करे थे x और y, ओके, तो x का आंसर आया था 30, y का आंसर आया अपने पास 24, ओके, सो 324 जा 72 और आगे जीरो लगा देंगे तो ये किलोमीटर अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एकदम सिंपल मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कितना सिंपल था, कितना इजी था, ओके, तो ये हमने 4 क्वेश्चंस कवर करे दोस्तों, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th और 6th क्वेश्चन भी लेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करना और कमेंट करके बताना भी, ओके, पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहना जोएमएस एकेडमी।